तुम तो ऐसे खेल रहे हो जैसे ये रस्से नहीं हरे नगर का सिंहासन। अब मुकाबला तो मुकाबला होता है ना, चाहे वो उस छोटे से खेल का हो या फिर आर्य नगर के सिंहासन का। तुम्हारी और मेरी सोच में सिर्फ ये एक फर्क है, तुम कि तुम जीतने के लिए खेलते हो और मैं हमेशा खेलने के लिए खेलता हूँ। आज रात हम आप सबको नदी के तट पर स्थित मंदिर में ले जाएंगे। मौकों और खतरों का आगे का पाठ वहीं पर होगा। राजकुमार वीर, अपने लक्ष्य को पाने के लिए यदि किसी नियम को तोड़ने की जरूरत हो तो क्या करना चाहिए? यही सवाल था ना आपका, तो उस सवाल का जवाब भी सुन लीजिए। यदि आपका लक्ष्य सचमुच इतना जरूरी है तो नियम तोड़ने में कोई हर्ज नहीं है। राजकुमार धर्म ने आपके लिए संदेशा भेजा है। क्या बात है भैया, धर्म ने क्या लिखा है? जय भैया, हमारे सिपाहियों की हत्या करके अग्नि को भगा कर ले जा रहे थे। धर्म और वीर ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस मुठभेड़ में जय भैया और अग्नि खाई से नीचे गिर गए। इस दुर्घटना में उन दोनों की मृत्यु हो गई। जो सजा हम उन्हें नहीं दे पाए वो सजा ईश्वर ने उन्हें दे दी। उनके लिए यही सजा उचित थी महाराज। बस एक ही अफसोस है कि उनको सबके सामने सजा नहीं मिली। हमने अग्नि को हमेशा अपने बेटे जैसा माना। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करना चाहते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।